हैं कितना पेमेंट आया। जरूर भी है, जैसा भी है, जितना भी है गाइस, सब आप लोगों के वजह से, आपके बिना तो फिर मेरा चैनल ही कुछ नहीं। बिल्कुल, तो इसीलिए आप लोगों को दिल से एकदम, आप लोगों को बताना भी बहुत जरूरी था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुसी सहानी। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। हम लोग एकदम ठीक है, पर मेरे हस्बैंड एकदम ठीक नहीं है। इनके पैर पे ना वो नस घिचाता है ना, तीन चार दिन हो रहा है। हम कब से बोले कि डॉक्टर दिखा लो, डॉक्टर दिखा लो, बोले क्या दिखाएं, क्या दिखाएं, क्या दिखाएं, और तीन दिन से सह रहे हैं दर्द। आप देखो कैसे लगड़ा लगड़ा के चल रहे हैं। चलो चलो अभी एडिटिंग कम्प्लीट किए हैं, जो सुबह मतलब जहाँ से एंड किए थे उसको थोड़ी देर बाद से फिर स्टार्ट किया है। और देख सकते हो फ्रेंड्स, पसीना टपक रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे वॉइस ओवर करना होता है, एडिटिंग करना होता है ना, उस टाइम पे फैन ऑफ करके बैठना पड़ता है। और गर्मी तो जान लेने वाला गर्मी है आजकल, ऐसी गर्मी है ही। हाँ, कितना कड़ा कर, इतना धूप करा करता है, धूप में खड़े हो जाना सुक्टी बन जाओगे। सुक्टी तो छोड़ो, तो बाद में फर्क दिखता है फर्क। हाँ, अगर व्हाइट कलर का दूध रहना वो भी ब्लैक बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करते हैं एक वीडियो के पीछे, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। गिंडी गए, इतने छोटे छोटे से बड़े नहीं हो रहा है, इनको हम इतने दिनों से बोल रहे हैं कि मार्केट जाओ। कौन जाता दुकान है फिर भिंडी का बीज लेके, फिर उनको बोलो कि बीज खराब है, दूसरा बीज दो। मुझे भी तो लेके नहीं जा रहे हो आप, आपका हालत है जाने वाला बाजार। 10 कदम चलते हो बोलते मेरे कमर में दर्द हो गया, मेरे रात में आओगे मेरे से उठा नहीं जाता। शनिवार हम मार्केट जाने वाले हैं, आज है बृहस्पतिवार, शनिवार हम हॉस्पिटल पर शनिवार को फिर डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वहाँ से होके वहाँ जाएंगे, वहाँ से होके घर आएंगे, किट्टू को हम घर पे छोड़ के जाएंगे। तो आज का ब्लॉग जो जिससे टॉपिक पे था वो बताई नहीं। हाँ हाँ फ्रेंड्स, मेन टॉपिक तो हम भूल गए कि आज अभी से स्टार्ट करने के पीछे ना एक रीज़न है, और वो रीज़न है कि मेरा जो सपना था ना 2 साल से, जिसके ऊपर हम इतना मेहनत किया है, इतना किया है कि अपने आप को भी नहीं देखते, वो मेरा सक्सेस हो गया है। वो है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और वो भी आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया और सपोर्ट किया इतना, इसलिए आज ये चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। कल ही हुआ है ना? हाँ कल ही हुआ। कितना तारीख था कल? कल 12 तारीख, 12 तारीख को मोनेटाइज हो गया। और हम लोगों ने जब वो अप्लाई किया था ना, तो 18 घंटे के अंदर ही, तो क्या कहते हैं उसको, हाँ रिव्यू में भेजे थे, जब 18 घंटे में ही जो है यूट्यूब जो है तो उसको अप्रूवल दे दिया। हाँ, पर कल ना शाम हो गया था, तो उस वजह से हम लोग शाम में नहीं करते, फिर नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे सुबह में मुझे फिर हेल्थ सेंटर जाना, तो उस बीच में करके फिर बहुत जल्दबाजी हो गया था। बोले नहीं, थोड़ा फ्री हो जाएंगे, थोड़ा शांति से बैठ के, आराम से बैठ के आप लोगों से शेयर करेंगे, ये मेरी खुशी वाली बात। तब होगा पैसों का बारिश। पैसों का बारिश, जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है गाइस, सब आप लोगों के वजह से, आपके बिना तो फिर मेरा चैनल ही कुछ नहीं। बिल्कुल, तो इसीलिए आप लोगों को दिल से एकदम, आप लोगों को बताना भी बहुत जरूरी था। हाँ, चैनल मोनेटाइज हो चुका और है, प्लीज मेरा ब्लॉग फुल वॉच किया कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगेन थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहना हम लोगों को, करेंगे भी, क्यों नहीं करेंगे। की तोड़ छो गो, साग काटे थे। हाँ, अभी भिंडी तोड़ रहे हैं, थोड़ा सा इतना सारा प्याज दे देंगे, इतनी सारी मिर्च, इतने तो छोटे छोटे गाछ में भिंडी भी है। हाँ, कैगो भिंडी है, जो भी है, भिंडी गाछ बढ़ा ही नहीं है, अच्छा बना लेंगे, अगर बढ़ता ना बहुत सारा भिंडी होता अभी। तीन, हाँ छोटे में बुरा भी हो जाता, छोटे में बुरा हो जाता ना, गाज भी तो ये है ना। अच्छा घेवरा हुआ है? हाँ। आप कहते हो लड़का फूल हुआ ही नहीं कहीं पे, तो घेवरा कैसे पकड़ेगा, पकड़ लिया ना घेवरा। इसी को नीचे कल खेलने वाला है तो? ओ मेरा बाबू उठ गया, क्या हुआ, कहाँ है तो? आ देखो उठ के कहाँ बैठा है मेरा बेटा, क्या हुआ किट्टू, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, चीटी है, चीटी रहता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठो, क्या हुआ बोलो, नींद पूरा हुआ, हो गया, अब कहाँ जाओगे, बाहर जाओगे, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, नहीं बोलोगे,
सो के उठा है ना, अभी कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल आराम से बैठा है, सो के उठ के बाहर आके बैठा है। देखो हम बोला ही नहीं आया। माँ बेटे का प्यार किट्टू, तरबूज लेके जा रहे हैं मासी के घर देने के लिए, और किट्टू उसके पापा के ना आज पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जाएगा रोड पे, इसीलिए इसके पापा के पीछे पीछे घूम रहा है कि पापा कब फ्री हो और मुझे लेके जाए रोड पे। और चिड़िया सब देखो फ्रेंड्स, सब उड़ उड़ के ना अपने घर पे जा रहा है, देखो लौट आए लेके। क्या हुआ? मम्मी घर पे काट ली है तरबूज, एकदम छोटे छोटे पीसेस करके, मुझे ना लंबा वाला एकदम मतलब ऐसे ही रहता है बस कटा हुआ रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो किट्टू गया था पापा के साथ, लेके आया बर्फ का गोला, गोला नहीं है मतलब बर्फ चूर के जो वो जो नमक नहीं होता है, काला नमक डाल के देते हैं, वो लेते आया। अब हाथ में लो, से पकड़ो। क्या हुआ? खाना नहीं है, बस जीत करके लेना है। नया चीज देख के वो जीत करना है। बोल जला था। क्या कर रहे हो किट्टू? मोटा मोटा काटा था इसलिए खांसी हो रहा है। शाम में खाओ। और क्यों मारते नहीं, मारते नहीं, क्यों तोड़ देते हो छोटी? गुस्सा आ जाता है इसको। अच्छा फिर से जोड़ लोगे, फिर से जोड़ लोगे, फिर से जोड़ लोगे। खाना तो अपना बन गया, बाहर आए हैं, अंदर में इतना गर्मी, इतना गर्मी जा निकला जा रहा है पूरा। उसके पापा अंदर बिस्तर कर रहे हैं तो हम बाहर टहल रहे हैं, बाहर किचन लगा देते हैं। और बोलो छुट्टी, कितने दिन से मेरा मन था कि घर में खटिया होना चाहिए, खटिया होना चाहिए। जैसे अभी गर्मी का टाइम है, बाहर में हल्का हल्का हवा चल रहा है, यहाँ पे खटिया रख के बैठते ना बहुत मज़ा आता सच में। ऐसे पता है हम लोगों को उधर ना मतलब मायके साइड में एक भी खटिया देखने को नहीं मिलेगा, पर बिहार में बहुत ज़्यादा मिलता है। खांसी हो रहा है छुट्टी? वो इधर ही ऐसा कर रहा है, गर्मी दिन भर गर्मी, रात में आधी रात तक गर्मी, उसके बाद से थोड़ा ठंडा है, भोर में तो इतना ठंडा कि कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है फैन बंद करके। थोड़ा सा पंखा बैठते हैं। हर रोज की तरह अपना ड्यूटी निभा रहे हैं मेरे प्यारे हस्बैंड जी। मेरा तो यही काम रहेगा। गिर गया सोना? हाँ भारी का तो नहीं उठा पाते हैं, हर रोज बिस्तर करने का। कटो यहाँ से, हम उठाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, अगले दिन रात हो गया था, फिर कोई शूट नहीं किए थे और एडिटिंग भी बाकी था, एडिटिंग करके पोस्ट करना भी था इसीलिए। और आज है फ्राइडे और आज से हस्बैंड चले गए हैं काम पे। और जो बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ का बहुत ही खास पल है जो मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया है। जब हम पोस्ट करते थे कंटिन्यू और पहला व्यू बिल्कुल नहीं आता था, और फर्स्ट शॉर्ट्स मेरे 1000 गया था ना, हम बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा खुश थे उस टाइम पर। मेरा एक शॉर्ट्स तो 6.5 मिलियन या फिर 6 मिलियन भी गया है, पर उसमें उतना ज़्यादा खुशी नहीं हुआ था जितना मुझे 1000 व्यू फर्स्ट टाइम आने पर व्यू हुआ था। तो ये भी मेरे लिए उतना ही खुशी वाला बात है कि मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया है, अब हम अर्न कर सकते हैं, हम जो एक साल से मेहनत कर रहे हैं शायद अब उसका कुछ क्या बोलते हैं कि छोटी छोटी खुशियां जो है हम उससे अर्न करके कुछ भी पूरा कर सकते हैं, हस्बैंड का थोड़ा हेल्प कर सकते हैं ऐसी वाली।
तो ये खुशी मेरे लिए बहुत बहुत महत्व रखता है, ये इसलिए ना आप लोगों को जितना थैंक्स बोले, जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा करें उतना कम है आप लोगों के लिए। और यही है, और मेरे जब एक साल हो गया मेरे चैनल को, और मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड के सारे जो काम करते हैं साथ में, वो लोग पूछते हैं कि भाभी का पेमेंट आ गया होगा, आप लोग छुपाते हो, बोलते नहीं हो, पर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, अब हुआ है तब पेमेंट आएगा। सब पूछते हैं कितना पेमेंट आया, ज़रूर आता होगा, और आप लोग बोलते नहीं हो, तो आप सभी को हम बता दे रहे हैं कि अब आएगा, आएगा तो छुपाना नहीं है, सबको बताना है कि मेरा पेमेंट कितना आया। और मुझे तो अभी इतना भी नहीं पता है कि मतलब 1000 व्यू में या 2000 व्यू में ब्लॉग में यूट्यूब कितना पैसा देता है, मुझे तो इतना तक अभी नॉलेज नहीं है। मेरे हस्बैंड को ये सब नॉलेज है वैसे, तो ये बात ना हम दोनों बैठ के एक साथ बोलने वाले थे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं जिसका जवाब हम लोगों के बस नहीं रहता है कि कितना मिला छुपाते हो, तो हम दोनों शूट करने वाले थे, पर आज वो काम पे चले गए हैं दर्द वाला पैर लेके। हाँ, उनको हम हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर दिखा लो, दिखाते नहीं हैं। अभी फ़ोन किए तो बोले कि हाँ पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स हाँ, कोई बात नहीं, कल हम लोग चलेंगे, कल शनिवार है, कल चलेंगे डॉक्टर के पास, वो भी डॉक्टर दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। तो यहीं पे अपना ब्लॉग एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर से थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। Bye-bye.